जी वेलकम बैक, स्वागत है अगली वीडियो में। तो अगला दिन हो गया है कारू में, बस अभी उठे हैं। उठते ही सुबह सुबह चाय आ गई है, चाय पीते हैं, फ्रेश वेश होते हैं, नहाते धोते हैं, रेडी होते हैं। उसके बाद फिर हमारा प्लान है 9:30 तक यहाँ से सुबह निकल जाने का। और उसके बाद यहाँ पे बिल्कुल पास में एक मोनेस्ट्री है, काफ़ी पुरानी मोनेस्ट्री है, तो वहाँ जाना है। फिर मोनेस्ट्री देखने के बाद हम निकलेंगे आगे की तरफ और ऊंचाई पे, जहाँ पे जाने के लिए मेरे को पहले यहाँ पे एक्लिमेटाइज होना पड़ा। अभी हमने बहुत ऊपर तक जाना है, जो हमारा प्लान है, जो मेरे फ्रेंड ने जो प्लान बनाया, पूरी आइटिनरी बनाई है। पहले यहाँ पे एक दिन में एक्लिमेटाइज हुआ, अब एक लेवल थोड़ा ऊपर जाके फिर मुझे एक्लिमेटाइज करना है उसने, उसके बाद फिर मुझे और ऊपर लेके जाएगा। ऐसी जगह है जो मैंने पहले यहाँ पे कभी नहीं देखी। फिर हम फाइनली पहुंचे हेमिस मोनेस्ट्री। फॉर सम रीजंस यहाँ पे ये विंटर में बंद रखते हैं, समर में खुलता है। तो पहले हम निकल गए थे आगे रास्ते पे, जो सीधा निकलता है इनके म्यूजियम की तरफ। म्यूजियम इनका खुलता है मई में, समर में खोलते हैं, उससे पहले नहीं खोलते। और हम अब पीछे दरवाजे से आए हैं यहाँ पे। हमने अंदर देखा मंदिर इनका, अंदर दो मेन मंदिर हैं इनके। सांस फूल गया समझ सकते हो, एक तो ऑल्टीट्यूड सिकनेस, ऊपर से अभी हम बहुत ऊपर चढ़ के गए थे। तो ये जो हेमिस मोनेस्ट्री है, ये सबसे पहले शुरू हुई थी 11वीं सेंचुरी में। उसके बाद 17वीं सेंचुरी में जो यहाँ के राजा थे, उन्होंने इसको दोबारा से रीबिल्ड कराया पूरा, इसके ऊपर सब कुछ कंस्ट्रक्शन हुई, सारा कुछ हुआ। और यहाँ पे कहते हैं कि जो इनके जो पहले लामा यहाँ पे आके सेटल हुए थे, वो यहाँ पे उनके उन्होंने यहाँ से शुरू किया था, इस मोनेस्ट्री से। तो अंदर उनकी मूर्तियाँ हैं मंदिर के अंदर। अंदर जो था, अंदर एक मंदिर खुला हुआ था, अंदर दो मंदिर हैं। तो एक मंदिर में लामा बैठे हुए थे, तो उन्होंने बोला कि चलो तुम्हारे लिए दूसरा मंदिर भी खोल देते हैं। फिर हम वहाँ पे गए। फिर ऊपर जाके एक और इनका मंदिर है, जहाँ पे इनकी बहुत बड़ी एक इनके गुरु हैं, गुरु पद्मासनुभव। तो उनकी बहुत बड़ी अंदर मूर्ति थी वहाँ भी। अनफॉर्चुनेटली फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, बट इट वॉज अ ह्यूज स्टैचू। इतना सही बना हुआ था अंदर, इतनी प्यारी प्यारी दीवारों पे जो कहते हैं ना पेंटिंग्स हुई पड़ी थी। तो उन्हें बताया कि ये उनके जो तांत्रिक गुरु हैं उनकी थी ये मूर्ति। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इनकी कहते हैं मान्यता है इस वाली मोनेस्ट्री की। और हर जून में यहाँ पे एक फेस्टिवल होता है, जैसे कहते हैं हेमिस फेस्टिवल। तो वो तो हम अनफॉर्चुनेटली कर नहीं पाएंगे, और अंदर हम वो देख नहीं पाए म्यूज़ियम, बिकॉज वो सिर्फ समर में खुलता है, और मेरे पास समर तक का टाइम नहीं है। तो अभी हम जितना घूम पाए हम घूम लिए। जो आप एक ऊपर देख रहे थे ना, बहुत बड़ा झंडा लगा था ऊपर तक, वहाँ पे कहते हैं पूजा होती है, और वहाँ पे जाने की सीढ़ियों का रास्ता है। पर मैं कहा भाई ऊपर गए तो उसके आगे वाली ट्रिप पूरी खत्म हो जाएगी अपनी। तो मैं कहा चलो कोई नहीं, बार बार से मत्था टेक के निकल लेते हैं। अब यहाँ से हमारी जर्नी शुरू होगी थोड़ा टूवर्ड्स बाहर, ले से बाहर की तरफ। अब कहते हैं अपनी जर्नी शुरू। तो यार पीछे वहाँ पे देख लो, पूरे बर्फ़ से ढके हुए पहाड़, वो पूरी लद्दाख रेंज है। और जैसे जैसे हम यहाँ पे आते हैं मोनेस्ट्री की तरफ, तो जो ये वाला पूरा है, इसके पीछे जो है वो ज़ंस्कार रेंज है, और ये उसका जो एरिया है पूरा, ये उसका ऑफ शूट है। कि जैसे ज़ंस्कार है, ज़ंस्कार से आगे जाके आता है हिमालयन रेंज। चलो ये जो आप बड़ा सा देख रहे हो पूरा खंभा लगा हुआ, तो ये बेसिकली एक पेंटिंग को टांगने के लिए है। तो हमारे जो गाइड साहब हैं वो बताएंगे। हाँ जी सर, एक्चुअली ये जो है ना सर, हमारे लद्दाख में थंका बोलते हैं उन थंका को, जब 12 साल में एक बार इनका दर्शन होता है, अच्छा, जब पूजा होता है तो यहाँ पे ये टांगते हैं, तो यहाँ पूजा चलता है। ओके ओके जी।
तो कौन से किसी भगवान का है? ये नारोपा करके एक है। अच्छा, उनका उनका है जी। ओके। हर 12 साल में। हर 12 साल में जी। चलिए ठीक। ये जो है ना, हाँ जी, यहाँ पे जब गुरुजी आते हैं तो लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन के लिए, फिर यहाँ से गुरुजी का टीचिंग्स होते हैं इस एरिया पे। अच्छा जी। और ये सारा सामने कारू है? ये कारू है सर, ये कारू विलेज है। तो ये हम पहुंचे हैं देखने के लिए त्रिशूल वॉर मेमोरियल। इसकी जो स्थापना है वो हुई थी अक्टूबर 1962 में, तब के प्रधानमंत्री द्वारा, जो कि इंदिरा गांधी थी। और उसके बाद जितनी भी यहाँ पे अपना इस इलाके में आसपास जितनी वॉर्स हुई हैं सबके, उन्होंने सबको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर उन्होंने छोटे छोटे से ये मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं। तो जैसे एक ईस्टर्न लद्दाख का है, एक अभी जो गलवान वैली में हुआ था उसके लिए एक छोटा सा उन्होंने वो बनाया है डेमोन्स्ट्रेशन। तो बेसिकली उन्होंने सभी जितने भी यहाँ पे आसपास जितनी भी वॉर्स हुई हैं सभी के जो शहीद हैं उनको बेसिकली एक काइंड ऑफ ट्रिब्यूट ऑफर करने के लिए उन्होंने ये पूरा यहाँ पे वॉर मेमोरियल बनाया। तो ये फिर मॉनेस्ट्री से निकलने के बाद हमें लगे 2 घंटे, 2 घंटे हम सफर करके आए हैं और रास्ते में इतने प्यारे प्यारे व्यूज, हर थोड़ी थोड़ी देर में पूरा लैंडस्केप चेंज होता है। और लगी ये था कि हर व्यू एक नया व्यू था मेरे लिए, यानी लेह की ये साइड मैंने कभी नहीं देखी पहले। और वहाँ से चलने के बाद हम आए हैं चुमा थांग, एक छोटा सा विलेज है। यहाँ पे हम आए हैं देखने के लिए हॉट स्प्रिंग्स। ये आप देख सकते हो पीछे सारा पानी उबलता हुआ खोलता हुआ, बेसिकली यहाँ पे वही है हॉट स्प्रिंग, सल्फर वाटर वही वाला। ये है बढ़िया असली हॉट स्प्रिंग, उबलता हुआ खोलता हुआ पानी बाहर निकल रहा है। चुमा थांग पहुंचकर एक अलग ही फीलिंग आई। ऑलमोस्ट 4000 मीटर की ऊंचाई के बावजूद माहौल में एक गर्माहट सी थी, मे बी बिकॉज ऑफ द हॉट स्प्रिंग्स। और काफ़ी पीसफुल जगह और कोई शोर शराबा नहीं। इवन यहाँ पे पत्थरों का रंग भी, जो ये पत्थर पड़े हैं पत्थरों का रंग भी सफ़ेद हुआ पड़ा है, वही है सल्फर करके रंग बदल जाता होगा। और ये सारा पानी ये इधर से जाता है उधर पूरा। नाइस हॉट स्प्रिंग्स। अच्छा, वहाँ पे लिखा भी है हॉट बाथ एंड कैफे, पर अभी फ़िलहाल हमारा वहाँ जाने का कोई सीन नहीं है, हमें निकलना है आगे यहाँ से। और जो अपना अगला स्टॉप है यहाँ से उसे बोलते हैं न्योमा, वो एक डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे विच इज़ पॉपुलर फॉर समथिंग। वो वहाँ जाके अभी देखते हैं, होपफुली हम टाइम पे पहुँच जाएंगे, क्योंकि हमें आगे जाना है न्योमा से भी थोड़ा और आगे जहाँ पर हमारा आज का स्टॉप है, क्योंकि उसके बाद फिर हमें और थोड़ी देर एक्लिमेटाइज करना है। तो आज रात का स्टॉप हमारा वहाँ पे होगा। तो आज का दिन का एजेंडा यही चल रहा है बस। सही था, बढ़िया हॉट स्प्रिंग्स। बाकी यहाँ पे एक और अच्छे वाले हॉट स्प्रिंग्स हैं जहाँ पे ये तो पानी थोड़ा सा उबल उबल के थोड़ा थोड़ा बाहर आ रहा था, वो पूरा पिचकारियाँ मारता हुआ बाहर आता है। वो मैं कहीं से देख के ढूंढ के वीडियो लगा दूंगा यहाँ पर वहाँ नहीं जा रहे, उसके लिए हमें काफ़ी डिटूर लेना पड़ेगा। तो हमारा एजेंडा वो नहीं है, हमारा एजेंडा कहीं और निकल रहा है। चलो जी, ये भी देख लिया, अब चलते हैं आगे। अंदर सारे टूरिस्ट बैठे हैं, गोरे सारे गोरे गोरे लोग बैठे हैं अंदर, सारे टूरिस्ट लोग। यहाँ पे ना वैसे जो मैं नोटिस किया है यहाँ पे अपने जितने भी देसी लोग टूरिस्ट टूरिस्ट होते हैं वो इतनी आगे नहीं आते, वो पैंगोंग साइड पे जाते हैं, वहाँ से घूम घाम के ओला साइड कवर करके निकल जाते हैं। बट दिस इज मोर पॉपुलर अमंग दी foreigners. Oh, ये है क्यांग्स, इस इलाके के नेटिव घोड़े जंगली गधे। तो बड़ी देर से देख रहे थे कब आएंगे बर्फ वाले पहाड़, फाइनली आ गए। पर ये वाले खत्म हुए तो आगे फिर गंजे वाले पहाड़ आ गए। क्या प्यारे कलर्स हैं,
मैं यही कह रहा था कि हर थोड़ी थोड़ी देर पे एकदम हुलिया बदल जाता। तो जी ये हैं सारी पश्मीना गोट्स और यहाँ पे पश्मीना फार्म बहुत है। हम हैं न्योमा इलाके में जो कि मशहूर है पश्मीना के लिए, और जो ये जो इन्हें चरवाहे चरा रहे हैं इन्हें बोलते हैं ग्रेजियर्स। मतलब कि आप देखो आसपास क्या है, सिर्फ पहाड़ है, गंजे पहाड़ हैं सारे, और इसके बीच में एकदम खाली ज़मीन, और जहाँ पे थोड़ी बहुत घास घूस बेचारी घास घूस खा रहे हैं। चलो अब इसके बाद फिर सीधा वहीं पहुँच रहे हैं न्योमा, जहाँ पे कहते हैं अपना पश्मीना लेने, जो पश्मीना की दुकानें हैं, चल के देखते हैं। और दूर दूर तक देखो भाई कोई बंदा नहीं है, खाली रोड पड़ी है एकदम, इधर कोई गाड़ी नहीं, इस साइड भी कोई गाड़ी नहीं, खाली एकदम, नो ट्रैफिक एट ऑल, एकदम शांत इलाका है, जैसे अपना कंपेयर टू जो प्रॉपर ले वाले इलाका है उसके कंपैरिजन में एकदम शांत। देखो पीछे खाली एकदम, ओ एक गाड़ी आई। और यहाँ पे ना मेनली कहते हैं लोकल लोग हैं जो वो गाड़ियों में घूमते हैं यहाँ पे, क्योंकि आगे जो है सिर्फ लोकल लोग रहते हैं, यहाँ पे कोई इतने होटल्स नहीं है, कुछ नहीं है। बस जब सीज़न आता है समर सीज़न, तो जो यहाँ पे लोग रहते हैं उन्हीं वही अपना घरों में एयरबीएनबी बनाते हैं, थोड़ा बहुत खिलाते पिलाते हैं लोगों को, वहीं पे लोग रहते हैं जो यहाँ पे आते हैं टूरिस्ट उनके लिए। पर वाओ, दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू एक्चुअली सी, जो एक्चुअल लेह लद्दाख है वो तो देखा हुआ हमने जो मेन ले सिटी है, बट दिस इज़ द अनसीन एरिया। अभी हम कोशिश करेंगे और भी इलाकों में जाएं जहाँ पे हर कोई नहीं जाता, जहाँ पे हर कोई जा भी नहीं सकता, ऐसे कुछ इलाकों में। तो जो हमारे गाइड हैं, वो जो मेरा फ्रेंड है, वो देखते हैं कहाँ तक लेके जाता है हमें, और देखते हैं पूरा अनसीन ले लद्दाख। काफ़ी देर अभी ब्रेकफास्ट करे हुए दोस्त ने निकाली अंदर से स्निकर्स, इंस्टेंट एनर्जी स्निकर्स। दोस्त बता रहा था कि जो अभी विंटर पूरी गई नहीं है, तो जो अपना चरवाहे हैं वो यहाँ पे लेके आए हुए हैं गोट्स को। जब प्रॉपर समर आती है ये ऊपर पहाड़ों पे ले जाते हैं, जहाँ पे जो एक्चुअल न्योमा एरिया है वहाँ पे, और ये साथ में इंडस है ना सारी, साथ में यहाँ पूरी इंडस चल रही है साथ साथ, इंडस रिवर। चुमाथांग से न्योमा का सफर था लगभग 40 किलोमीटर का, जो कि हमने पूरा किया ऑलमोस्ट एक घंटे में। तो फिर हम पहुंच चुके हैं अपने न्योमा वाले गेस्ट हाउस में। ये अपना रूम, ये लगा है यहाँ पे अपना हीटर, बाकी बढ़िया बेड है, अटैच्ड वॉशरूम है, वेरी नाइस सेटअप। और यहाँ पे वही सेम सीन है कारू वाला, कि यहाँ भी नलकों में पानी नहीं है, जस्ट बिकॉज कि ठंड बहुत है, पानी फ्रीज हो जाएगा नलकों में और पाइप्स में, पाइप्स फट जाएंगे, तो इसलिए वही सेम जो गार्ड है उन्होंने भी यहाँ पे भी वो हमाम रखा हुआ है जिसमें पानी गर्म होता है और वही यूज़ करते हैं। और बस अब यहाँ के बज चुके हैं शाम के 4, और अब हम थोड़ी देर करेंगे आराम यहाँ पे और थोड़ा और एक्लिमेटाइज होंगे। अभी हम थोड़ा और ऊपर आ चुके हैं, जहाँ हम कारू में थे वहाँ की जो ऑल्टीट्यूड है दैट वाज 3200 मीटर्स समथिंग, ये मुझे चेक करना पड़ेगा अभी कितना है, पर ऊपर है। पर गुड थिंग इज लकीली अब सर नहीं दुख रहा मेरा, बट अभी भी यहाँ पे भी अभी हल्की हल्की ब्रेथलेसनेस है। और अगेन रास्ता बहुत ही औसम था, और जो सीन है ये कहते हैं अपना पश्मीना वाला वो देखना पड़ेगा, वो पता नहीं आज बनेगा सीन शाम को या फिर कल सुबह बनेगा, तो देखते हैं कैसे करना है। बट आज यहाँ पे थोड़ा आराम और ज़्यादा एक्लिमेटाइजेशन, और यहाँ पे भी वही सीन, नो इंटरनेट नथिंग। तो अब एक्चुअली सीन यही था कि कहते हैं मैं वहाँ से आ गया गलती से लेके वोडाफोन का पोस्टपेड, मुझे लगा यहाँ पे कोई पोस्टपेड चल जाएगा, बट यहाँ सिर्फ एयरटेल चलता है और बीएसएनएल चलता है और कुछ नहीं चलता है यहाँ पे।
तो अब और कोई ऑप्शन है नहीं, तो या तो थोड़ी देर सोते हैं या फिर थोड़ी देर एडिटिंग करते हैं। मैं सोच एडिटिंग करने बैठूँ, नींद अपने आप आ जाएगी, उसके बाद फिर शाम का प्लान शाम को देखेंगे। हेलो जी भैया, फिर आज शाम की तैयारी, आज थोड़ा दोस्त लोग मिल बैठ के करेंगे अपने गम ताज़ा और पुरानी यादें भी। तो फिर आज का सीन थोड़ा ऐसा हुआ कि वही पहले रेस्ट वेस्ट किया, उसके बाद जब उठे हल्का हल्का सर दर्द फिर था, अभी भी पूरा एक्लिमेटाइज हुआ नहीं मैं। तो फिर आज सीन ये बना कि कहते हैं कि भाई आज बाहर नहीं जाते क्योंकि शाम हो चुकी थी, जब तक हम उठे रेस्ट वेस्ट करके 6 बज चुके थे, बाहर ज़्यादा कुछ था नहीं करने के लिए। तो हमने कहा चलो यहाँ अंदर बैठते हैं, आराम से खाते पीते हैं, थोड़ा गपशप मारते हैं। तो बस अब बैठे हैं आराम से और कल के लिए फिर देखेंगे, तैयारी करेंगे क्या करना है आगे। बस आज का हमने काफ़ी लाइट रखा सीन, बिल्कुल भी ज़्यादा हेक्टिक नहीं, बिल्कुल सिंपल सा, मतलब बस आराम आराम से, आराम आराम से। जी हम आए हैं देखने के लिए यहाँ पे पश्मीना शॉल्स कैसे बनती हैं। ये बनाई जा रही है पश्मीना शॉल, ये शॉल बना रहे हैं, शॉल बन रहा है शॉल। अच्छा अच्छा, ये शॉल शॉल नहीं है ये। अच्छा अच्छा अच्छा, कहना धागा खत्म हो गया है, अभी कुछ और बनना है, शॉल नहीं बन रही। तो बेसिकली यही मशीन है यहाँ पर के पास शॉल बनाने के लिए, यहाँ पे लोकल लोग ऐसे ही शॉल्स बनाते हैं, इनका जो भी ये धागा होगा बाहर से आता है जो भी करते हैं, और दिस इज द लोकल वे ऑफ मेकिंग द पश्मीना शॉल्स। तो ये काइंड ऑफ हब है यहाँ का, हब क्या बोलेंगे, जो मेन एरिया जहाँ पर शुरू होता है, जहाँ पर काम होता है सारा। और ये न्यूमा में है, तो ये कहते हैं यहाँ की जो लेट डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनके अंडर ये सारा कुछ आता है, और वो फिर सबको जो भी यहाँ पे लोकल है उनको हेल्प करते हैं टू देयर बिजनेस। फिर हम पता होता करके पहुंचे तो सही यहाँ पे न्योमा गांव में। तो मेरे को तो भाई मेन ये था कि देखना था यहाँ पे जो कहते हैं पश्मीना पश्मीना कहाँ बनता है कैसे होता है। तो यहाँ पे जो इनका गवर्नमेंट का डेवलपमेंट अथॉरिटी है वहीं पे हमने जाके देखा अंदर, वो बना रहे थे, बट अनलकीली उनके पास सारा जो जितना भी स्टॉक था वो जा चुका था। वो बता रहे थे कि होता क्या है कि वो बनाते हैं बनाते ही ना वो जो यहाँ पे लोकल ट्रेडर्स हैं वो लेके चले जाते हैं और आगे जाके फिर बेचते हैं ले मार्केट में। तो यहाँ पे फिलहाल उनके पास कोई स्टॉक नहीं था, वो बता रहे थे अभी कुछ दिन पहले कोई और आया था लेने के लिए, उनके पास सिर्फ 3 शॉल्स थी, वो सारी उठा के लेके चले गए। अभी उन्होंने ट्रंक खोल के दिखाया अपना कि भाई ट्रंक में देख लो कुछ हो, तो अंदर सारी कॉटन वाली पड़ी थी, तो कुछ मिला नहीं अपने काम का। तो अब यही कर सकते हैं कि वापस जब हम जाएंगे ले की साइड फ्लाइट पकड़ने, तो उस दिन आई कैन ट्राई। इन बड़े पहाड़ों के बीच से और लद्दाख के विशाल आसमान के नीचे से गुजरते हुए हम फाइनली पहुंचे अपनी आज की डेस्टिनेशन हानले, जो कि न्योमा से ऑलमोस्ट 2 घंटे दूर थी। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि मेरे पास ले में नेट और समय दोनों का अभाव था, तो मैंने कहा था कि मैं वापस पहुँच जाऊँगा, उसके बाद ही फिर सारी अपनी वीडियोज एडिट करके डालना शुरू करूँगा। तो बस यही हुआ, मैं वापस घर पहुँच चुका हूँ और बस अभी मैंने पहली वीडियो की एडिटिंग ख़त्म करी है। उस दिन हाल में पहुंचने के बाद मेरी तबीयत हो गई थी काफ़ी ख़राब, क्योंकि हम काफ़ी हाइट पे थे और हवा में ऑक्सीजन की कमी और हवा काफ़ी खुश्क थी, तो उस चक्कर में मेरा सर दुखना काफ़ी शुरू हो गया था, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड कर नहीं पाया। और उस दिन फिर वहाँ पे डॉक्टर ने चेक किया मेरा ऑक्सीजन लेवल, जो कि ऑन एवरेज रेगुलर बंदे का होता है 93 और मेरा था 83। तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि खूब सारा पानी पियो, ORS का घोल पियो, उससे फिर थोड़ा ठीक होगा। तो इसलिए मैंने उस दिन कोई पंगे नहीं लिए, शांति से बैठ के अपना आराम किया, खूब पानी पिया और कोशिश करी कि मैं जल्दी जल्दी रेडी हो जाऊँ अपने अगले एडवेंचर के लिए। अगर आपको मेरा अभी तक का एडवेंचर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जुड़े रहिए मेरे अगले एडवेंचर के लिए।